उसमें से एक तो दो प्रकरण तो थे थ्रीलेट और एक एक मार मैटर था वो जयप्रदा वाले कौन है भाई, उसमें उसने उन्हें पेश किया गया था सीतापुर जेल से। तो कौन कौन किस किस की पेशी थी? चलो करो करो आईडी नीचे कर लो थोड़ी भाई, साहब साहब का जी और अब्दुल्ला आजम साहब की। क्या क्या निर्णय लिया गया पेशी में, क्या हुआ पेशी में? ये हुआ कि दो केसेस में तो उनको चार्ज फ्रेम किया गया है, आईडी नीचे 18 चार्ज फ्रेम किया गया है जो छिल्लेट से संबंधित है, और एक केस में उनके रिमांड की डेट थी वो फर्दर डेट लग गई है उसमें, वो पेश हुए थे उसमें, आईयू ने उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए समय और मांग लिया है। तो पूरा मामला जो है ये पेश कौन सा मामला है पूरा एग्जैक्ट जो है? देखिए दो मैटर्स हैं ये, एक तो वो ये 2008 का है छिल्लेट वाला प्रकरण और वो वाला मामला है, और दूसरा ये इनका जयप्रदा जी वाला मामला है जो उनपे कथित तौर पे बताया जाता है कि अभद्र टिप्पणी की गई थी, वो मैटर है। ठीक है, वो प्रोग्राम इनके सम्मान में हुआ था उसमें किसी ने अभद्र टिप्पणी करना बताते हैं उस मैटर में पेश हुए थे, उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और एक छिल्लेट वाला था जो 2008 से संबंधित है वो जाम का था, विकसित किया गया है चार्ज फ्रेम किया गया है। तो क्या तारीख दी गई है? एक में जो छिल्लेट वाला मैटर है उसमें लगाई गई है 4 तारीख, क्योंकि वो फाइल इन दोनों की आजम खान साहब की और अब्दुल्ला आजम की फाइल सेपरेट कर दी गई थी 4 इसी महीने की जी, फरवरी 2 दिन बाद एक दिन बाद की, आज 2 तारीख है 4 तारीख दूसरे मामले में। तो फिजिकल अपीयरेंस होगी क्या अब भी? नहीं, इसमें अब वीसी से काम चल जाएगा, फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस कोर्ट जरूरी समझता है तो किसी खास तारीख पे जब बयान होंगे गवाही होगी तो बुला सकते हैं, अदरवाइज अब वीसी से काम चल जाएगा। अच्छा छिल्लेट वाले में क्या वो सॉरी कटघर वाले में क्या तारीख पड़ी? कटघर वाले में 8 तारीख 8 फरवरी तो वो भी फिजिकल अपीयरेंस होगी या वीसी से होगी? नहीं, वो वीसी से हो जाएगी, दोनों वीसी से होंगी अब तारीख, तीनों वीसी से हो जाएंगे अगर अंडर सन एंटिल कोर्ट जरूरी समझे तो।